खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर रेलवे स्टेशन रोड ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल महरौनी रोड मसौरा कला ललितपुर। इस खबर के सह प्रायोजक है नीलकमल स्वीट शाही रोड सावरकर चौक ललितपुर। इस खबर के सह प्रायोजक है बड़े बाबा कार बाजार स्टेशन रोड ऑफिसर हॉस्टल के बगल में सिविल लाइन ललितपुर। सुदर्शन डिग्री कॉलेज एवं सुदर्शन नर्सिंग एंड पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट बांसी ललितपुर। नमस्कार, जय जिनेन्द्र, मैं ललितपुर लाइव टीवी से। आज हम मौजूद हैं ललितपुर के परम सम्माननीय प्रतिष्ठित परिवार बाबूजी ज्ञानचंद जी अलिया परिवार के चिरंजीव श्री अनिल जी, अक्षय जी, अजय जी अलिया परिवार में मौजूद हूं, जहां पर हमारे ललितपुर के समाज श्रेष्ठी श्री रवेन्द्र जी वानपुर और श्रीमती सीमा वानपुर, जिन्होंने सिद्ध क्षेत्र शिखर जी में जाकर सिद्धों की आराधना करने का परम सौभाग्य परम पूज मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महामुनिराज के पावन सानिध्य में करने का सौभाग्य प्राप्त किया। आज हमारे बीच में हम उनसे जानेंगे कि प्रेरणा उन्हें कहां से मिली। 1990 से हर वर्ष समय शिखर जी की यात्रा पर मैं जा रहा था, तो वहां देखा कि लोग शिक्षक मंडल विधान करा रहे हैं, तो हमारे अंदर भी एक ऐसी भावना हुई कि हम लोग भी यहां कर सिद्धों की भूमि पर शिक्षक मंडल विधान कराने का भाव उत्पन्न हुआ। बहुत आनंद का अनुभव हुआ और प्रमाण सागर जी का जो गुणायतन जहाँ से हम लोगों ने शिक्षक मंडल विधान किया है, वहाँ पर बहुत ही अच्छा आनंद की अनुभूति होती रही 10 दिन तक। हमारे बीच में हैं जिन्होंने इस अनुष्ठान में सची इंद्रानी बनकर अपने जीवन को सफल बनाया। हम जानते हैं कि उनने कैसा महसूस किया अपने जीवन में इस धार्मिक अनुष्ठान करने के बाद। सभी को जय जिनेन्द्र, और ये सब आचार्य के आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। करीब 3 वर्ष पूर्व से आचार्य से आशीर्वाद हर साल लेकर आते थे, पर रैली में जब आचार्य के आहार हुए तो उनसे पूरी बातचीत करके पुनः आशीर्वाद लिया, उसके बाद ही सब संपन्न हुआ। और बस ऐसा लगता कि अब कुछ जीवन में शेष रह ही नहीं गया है, इतनी खुशी का अनुभव होता है। आज हमने जिस पुण्यार्जक परिवार को सम्मानित किया, श्री दिगंबर जैन पंचायत समिति के समस्त पदाधिकारी एवं अलिया परिवार द्वारा आज हमारे विधान पुण्यार्जक का सम्मान किया, हमें आपकी झलकियों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। विराजमान परम पूज मुनि पुंगव सदा सागर जी महाराज का चरण कमलों का आशीर्वाद लेकर ललितपुर के श्रावक श्रेष्ठी श्री रविन्द्र कुमार जैन सीमा जैन बानपुर ने पुण्यार्जन किया। सिद्धों की आराधना के लिए परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी के चरणों में पहुंचकर वहां पर सिद्ध चक्र विधान रचाया और संबे शिखर जी में सिद्धों की आराधना बड़े मनोयोग भक्ति भाव से की, ललितपुर का गौरव बढ़ाया और ललितपुर वासियों को उसमें सम्मिलित होकर जो इंद्र इंद्राणी के रूप में भक्ति करने का यह सौभाग्य मिला, आज उसको लेकर ललितपुर दिगम्बर जैन पंचायत द्वारा उनका यहाँ पर उनकी भक्ति और उनकी धर्म प्रभावना को लेकर आज उनका यहाँ पर अभिनंदन का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। हमारे बीच में दिगंबर जैन पंचायत समिति के अध्यक्ष इंजीनियर अनिल जी अंचल, हमारे श्रावक श्रेष्ठी निर्माण कमेटी के प्रमुख दाऊ सीचंद जी अनोरा और कोमल दादाजी, क्षेत्रपाल मंदिर जी के प्रबंधक श्री राजेंद्र कुमार जी धनवारा वाले और नए मंदिर जी के प्रबंधक जिनेंद्र जी रंगपुरा तथा शिक्षा मंत्री दिगंबर जैन पंचायत समिति संजीव जी ममता को धन कुमार जी मुन्नालाल जी सठियाना और अलिया परिवार जिसको उसमें इंद्र के रूप में पुण्यार्जन भक्ति करने का मौका मिला, श्री अनिल कुमार जी अलिया और संपूर्ण परिवार आज यहाँ पर इस अवसर पर मौजूद है। मैं इंजीनियर अनिल जी अंचल से अनुरोध करूंगा उनके पुण्य भावों की अनुमोदना करते हुए उनको सम्मानित करें। सिद्ध चक्र महामंडल विधान कराने जब संबे शिखर जाने की तैयारी थी, पूज मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज से पावन आशीर्वाद लेकर जब वहाँ गए और पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की चरण सन्निधि में उनके सत्संग सानिध्य में सिद्ध चक्र महामंडल विधान, ऐसी सिद्ध भूमि हम सबके जैन समाज की ऐसी तपस्थली भूमि जहाँ पर अनेकों मुनि महाराजों ने
मोक्ष पद को प्राप्त किया हो। ऐसी भूमि पर सिद्धों की आराधना करना अपने आप में एक अद्वितीय धार्मिक प्रभावना है। मैं इनके पुण्य की पूरी पूरी अनुमोदना भूल भूल अनुमोदना करता हूँ और आशा करता हूँ कि इसी तरह आप अपना पूरा जीवन धर्म पथ की ओर लगाकर अपने इस जीवन को मोक्ष मार्ग की ओर प्रसन्न करेंगे। पूरी दिगंबर जैन समाज पंचायत समिति पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज के सत्संग श्री चरणों में नमोस्तु निवेदित करती है और आप दोनों परिवारजनों को जिनने भी इसमें सौभाग्य हासिल किया उनके हृदय से हार्दिक वंदन और अभिनंदन करती है। सभी को रवि कुमार जी और सीमा जी शहर समृद्ध जाते हो वहाँ पर शिक्षक महामंडल करा करते हैं जिससे सैकड़ों लोग प्रधान में खड़े होते हैं और पुण्य लाभ देते हैं। ऐसे परिवार को हम धन्यवाद देते हैं और प्रतिवर्ष ऐसा काम करते रहें। जय जिनेन्द्र। समिति के संयोजक मनोज जी बबीना जी श्री के पुण्यार्जन की अनुमोदना कर रहे हैं। हम सभी का परम सौभाग्य हमारे ललितपुर के समाज सृष्टि परम आदरणीय श्री रविंद्र जी अलिया अपने सपरिवार सिद्धों की आराधना कराने के लिए पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज जो कि वर्तमान में सिद्ध क्षेत्र सिद्ध शिखर जी में विराजमान है उनके तत्वाधान में इस परिवार ने सिद्धों की आराधना की और इसमें पूरी जैन जैन समाज को इसका लाभ हुआ है और हम लोग यही भावना भाजते कि इनके आगे वाले जीवन में इनका जीवन धर्ममय हो और निरंतर धर्म के मार्ग पर बढ़ते रहें। सभी को जय जय। शांति रस्तु।